नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दें कि बिहारी न्यूज के नए सेगमेंट की शुरुआत हो चुकी है। इस सेगमेंट का नाम है धराधर 30 खबरें आपके काम की, जिसमें देश भर से दिन भर की धराधर 30 खबरें आपके काम की बताई जाने वाली है, जो कि रात को 7:30 बजे आएगी। कृपया करके हमारे सेगमेंट को जरूर देखें और हमारा नया सेगमेंट आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार यूं ही हमारे साथ इस नए सेगमेंट में भी बरकरार रहेगा। तो अब शाम तक की बड़ी खबरों को बताने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। आज से खुल गए हैं मॉल, सिनेमा घर और 9वीं-10वीं तक के स्कूल। पटना में मंडरा रहा है बाढ़ का दोहरा खतरा। दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद और कोलकाता जाने का किराया हुआ आधा। जेईई मेंस के तीसरे सत्र में वैभव विशाल बने बिहार टॉपर। कटिहार मेयर हत्याकांड में मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर विस्तार से। आज से खुल गए हैं मॉल, सिनेमा घर और 9वीं-10वीं तक के स्कूल। बिहार में आज अनलॉक के 5वें चरण का पहला दिन है। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर में बेहद कम मामले आने के बाद इस फेज में काफी राहत मिली है। सरकारी निर्देश के मुताबिक आज से 50% क्षमता के साथ स्कूल, कोचिंग संस्थान और सिनेमा हॉल खुल चुके हैं। हालांकि स्कूल अभी 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए ही खुले हैं, जबकि कोचिंग संस्थान 10वीं से और ऊपर के बच्चों के लिए अल्टरनेट दिन में खुले जा सकेंगे। इसके साथ ही शॉपिंग मॉल्स भी अल्टरनेट डेज यानी कि एक दिन के अंतराल पर खुल रहे हैं। तो वहीं सभी तरह की दुकानें रविवार को छोड़कर बाकी के दिनों में 7 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि आपको बता दें कि अनलॉक 5 के नियम के तहत 25 अगस्त तक ही ये लागू होंगे और इस दौरान धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहने वाले हैं। अगले 48 घंटे के दौरान भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का है अलर्ट। सूबे बिहार में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बिहार के उत्तर पश्चिम एवं मध्य बिहार के जिलों में भारी बारिश, गरज और वज्रपात की संभावना जताई गई है। पटना मौसम विभाग की माने तो मानसूनी प्रभाव के कारण ट्रफ लाइन राजस्थान से होकर बंगाल की खाड़ी की ओर गुजर रही है, जिसका प्रभाव बिहार के कई जिलों में देखने को मिलने वाला है। इसके प्रभाव से पश्चिम चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूरा सहरसा, कटिहार, पूर्णिया आदि स्थानों पर आकाशीय बिजली चमकने, वज्रपात व भारी बारिश का पूर्वानुमान किया गया है। इन जिलों के अलावे भोजपुर, अरवल, मधुबनी, औरंगाबाद, गया, समस्तीपुर के हिस्सों में भी मेघ गर्जन, वज्रपात व हल्की के मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। जेईई मेंस के तीसरे सत्र में वैभव विशाल बने बिहार टॉपर। बीते दिन शुक्रवार की देर रात को जेईई मेंस के तीसरे फेज का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें 100% स्कोर हासिल करके वैभव विशाल बिहार टॉपर बने हैं। इतना ही नहीं, बिहार के साथ ही नेशनल लेवल पर भी वैभव टॉपर बने हैं। बताते चले कि जेईई मेंस अप्रैल 2021 सत्र में 17 छात्रों ने 100 एनटीए स्कोर हासिल किया है। इसमें वैभव विशाल को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। एनटीए ने स्टेट वाइज 48 छात्रों की लिस्ट जारी की है। वहीं अन्य किसी भी कैटेगरी में बिहार के किसी छात्र ने जगह नहीं बनाई है। आपको बताते चले कि जेईई मेंस के स्कोर के आधार पर ही देश के 31 एनआईटी सहित देश के अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन का मौका मिलेगा। कटिहार मेयर हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के कटिहार जिले में करीब 10 दिनों के बाद मेयर शिवराज पासवान मर्डर केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी ड्राइवर टोला का रहने वाला नीरज पासवान बताया जा रहा है, जो कि रेलवे में नौकरी करता है। आरोपी नीरज कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र की भाजपा विधायक कविता पासवान का भतीजा है। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पश्चिम बंगाल के अलावे असम, झारखंड और बिहार के कई जिलों में छापेमारी की थी। हालांकि 12 नामजदों में से अंकित चौहान, सन्नी श्रीवास्तव, अभिषेक महतो के अलावे कांत श्रीवास्तव उर्फ टुनटुन श्रीवास्तव अभी फरार चल रहे हैं। तो वही गिरफ्तार आरोपी नीरज पासवान से पुलिस पूछताछ कर रही है। हत्याकांड में नाम आने के बाद कटिहार रेल मंडल से आरोपी को नौकरी से निकाले जाने की प्रक्रिया चल रही है। सड़क दुर्घटना में अब एक व्यक्ति के मौत होने पर भी सरकार देगी मुआवजे के रुपए। बिहार की नीतीश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाने के मामले में मुआवजा नीति में बदलाव किया है। इस फैसले को लेकर बीते दिन कैबिनेट में मुहर भी लग गई है, जिसके तहत अब सड़क दुर्घटना में अगर एक अकेले व्यक्ति की भी जान चली जाती है तो जान खोने वाले व्यक्ति के आश्रितों को भी 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से पहले जो नियम तय थे उसके मुताबिक के एक से अधिक व्यक्ति की मौत अगर सड़क दुर्घटना में होती है तभी मुआवजे का प्रावधान था। ऐसे में उन लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती थी जिनकी मौत सड़क दुर्घटना में अकेले हो जाए। हालांकि अब परिवहन विभाग की तरफ से 50 करोड़ की राशि का रिवॉल्विंग फंड बनाने के फैसले के बाद इसी फंड से मुआवजे की राशि मिलेगी। सरकार का यह नया नियम 15 सितंबर 2021 से लागू होगा। पटना में मंडरा रहा है बाढ़ का दोहरा खतरा। बिहार के उत्तरी हिस्से में नदियां शांत हुई है, मगर दक्षिण बिहार में उफनती नदियों ने चिंता बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा असर गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण देखने को मिल रहा है, जिसकी चपेट में बक्सर, भोजपुर से लेकर पटना जिला प्रभावित हो रहे हैं। बीते
दिन बक्सर और भोजपुर में गंगा का स्तर खतरे के निशान के पार दर्ज किया गया, तो वहीं पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से थोड़ी ही नीचे है, लेकिन दियारा इलाके में बाढ़ का पानी घुस चुका है। पटना में बाढ़ का दोहरा असर गंगा और पुनपुन नदी के कारण हो रहा है, क्योंकि पुनपुन नदी में भी जल का स्तर डेंजर जोन के पार चल रहा है। उत्तरी बिहार के इन चार जिलों में लगाए जाएंगे लाखों स्मार्ट प्रीपेड मीटर। बिजली कंपनी द्वारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का दायरा बढ़ाने की कवायद शुरू है। इस कड़ी में उत्तर बिहार के चार जिलों में अगले एक से दो दिनों में लाखों स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके तहत सीतामढ़ी, समस्तीपुर, हाजीपुर और पूर्णिया जिले में स्मार्ट मीटर लगने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये मीटर दूसरे फेज में लगाए जा रहे हैं। इसके लिए प्रोटोकॉल अफसर ने इन सभी जिलों के विद्युत अधिकारियों को टारगेट दे दिया है, जिसे जल्द ही पूरा करने को कहा गया है। इसके तहत सीतामढ़ी को 25,000, समस्तीपुर को 20,000, हाजीपुर को 42,000 व पूर्णिया को 40,000 का लक्ष्य दिया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद और कोलकाता जाने का किराया हुआ आधा। दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद और कोलकाता जाने के लिए हवाई टिकट के किराए में भारी कमी कर दी गई है। इसके तहत इंडिगो एयरलाइंस ने एक सेल जारी की है। यह सेल 1 सितंबर से लागू होने वाला है। इसके तहत अब इंडिगो का विमान आपको दरभंगा से सीधे हैदराबाद मात्र 2,913 रुपए में पहुंचा देगा, तो वहीं दरभंगा से कोलकाता जाने के लिए विमान किराया मात्र 2,314 रुपए लगेंगे। इस सेवा का लाभ अगले महीने 1 सितंबर से लागू होगा। दरअसल दरभंगा से इन दिनों के लिए यात्रियों की संख्या फिलहाल कम है, जिस कारण कई उड़ानें स्थगित होती हैं और यात्रियों को पटना से होकर फ्लाइट पकड़ना पड़ता है। ऐसे में इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों की संख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से इन दो रूटों में अपने किराए को कम करने का फैसला लिया है। बिहार में ताजा आंकड़ों में 55 नए कोरोना के मामले आए सामने। सूबे में बीते दिन के पिछले 24 घंटे का कोरोना अपडेट स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इसके मुताबिक बिहार में इस दौरान 1,37,028 सैंपलों की जांच की गई थी, जिसमें 55 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 63 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में अब एक्टिव मामले 356 हो गए हैं। बताते चले कि बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान पटना में सबसे अधिक 7 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। वहीं अररिया, भागलपुर, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, नालंदा, नवादा, रोहतास, सारण, सीतामढ़ी, सुपौल और वैशाली में एक एक मरीज की पहचान हुई। अरवल, औरंगाबाद, बांका, बक्सर, दरभंगा, गया, कटिहार, लखीसराय, मधुबनी, समस्तीपुर और सीवान में दो दो, जबकि किशनगंज व मधेपुरा में तीन तीन और मुजफ्फरपुर में 6 नए संक्रमितों की पहचान हुई। विभिन्न मांगों के साथ कल से हड़ताल पर जाएंगे पटना नगर निगम के कर्मी। पटना नगर निगम के चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी कल रविवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं, जिससे नगर निगम की सेवाओं को बहाल करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। दरअसल यह हड़ताल समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर प्रस्तावित है। इस बारे में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ के महासचिव ने बताया है कि निगम के कर्मचारियों की कई मांगे हैं, जिनमें खासकर दैनिक कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने और समान काम का समान वेतन भुगतान करने की मांग शामिल है। साथ ही साथ 18,000 रुपए मासिक मजदूरी तय करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा ईपीएफ की गड़बड़ियों को दूर करने और प्राइवेट कंपनियों द्वारा मनमाना तरीके से कर्मियों को हटाने पर भी रोक लगाने की मांगे रखी गई है। अफसर से विवाद मामले के बाद अब मदन सहनी ने बदला अपना आप्त सचिव। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी पिछले दिनों खूब चर्चा का विषय बने हुए थे और इसकी वजह उनके ही विभाग के अधिकारी से विवाद होना था, जिस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने इस्तीफा भी पेश कर दिया था। हालांकि बाद में वे अपने फैसले से पीछे हट गए थे। वहीं अब बीते दिन मंत्री मदन सहनी ने अपने सरकारी आदेश से सचिव में फेरबदल कर दिया है। उन्होंने बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अभिजीत कुमार को अपना नया सरकारी आप्त सचिव बनाया है। अभिजीत कुमार फिलहाल शेखपुरा के बंदोबस्त पदाधिकारी के तौर पर तैनात है। बताते चले कि इससे पहले उनके आप्त सचिव मनीष शर्मा थे, जिससे मंत्री मदन सहनी नाराज चल रहे थे। नालंदा में पंचाने और लोकायन नदी का बढ़ा कहर। बिहार के कई जिलों में नदियां उफान पर है। इधर नालंदा जिले में भी अब पंचाने और लोकायन नदी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पंचाने नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण बिहार शरीफ और रहुई प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिससे भारी जलजमाव हो गया है। इतना ही नहीं, पानी बढ़ने के कारण रहुई प्रखंड में स्थित पहियारा बांध 4 दिनों के अंदर 2 बार टूट चुका है, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से मिट्टी के बड़े बोरे रखवाए जा रहे हैं। वहीं पानी का स्तर बढ़ने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में धान की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है। बिहार कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर कानूनी व्यवस्था चौपट करने का लगा आरोप। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के क्षेत्रीय प्रवक्ता विजय कुमार ने बिहार में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को लेकर नीतीश सरकार को घेरा है। इस दौरान गया में उन्होंने कहा कि बिहार में छिनताई, हत्या, चोरी आदि के मामले बढ़े हैं। इससे मुख्यमंत्री का गृह जिला नालंदा तक भी नहीं बचा है, जहां आए दिन जान लेने जैसी दर्जनों घटनाएं होती है। तो वहीं उन्होंने कहा कि अखबारों की सुर्खियों में दिनदहाड़े लूटपाट, अवैध शराब कारोबार, बालू खनन जैसी घटनाएं बनी रहती हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने सरकार से कानूनी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है।
जदयू प्रवक्ता ने आरजेडी को बताया आंदोलन में नजर आने वाला दल। बिहार में जातीय जनगणना का मामला सुर्खियों में बना है और इसे लेकर आज राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया गया। वहीं इस मुद्दे को जदयू अपना अहम मुद्दा बता रही है, इसलिए राजद द्वारा प्रदर्शन किए जाने को लेकर जदयू के प्रवक्ता सह विधान पार्षद नीरज कुमार ने इसे तेजस्वी यादव का ढोंग बताया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक आर्थिक जनगणना के मामले को बिहार विधानमंडल से पहले ही पास कराया जा चुका है, तो फिर राजद के आंदोलन करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि आपदा के वक्त आरजेडी नजर नहीं आती है, लेकिन ये आंदोलन में ही नजर आ रहे हैं, यही बहुत है। बांग्लादेश ने इतिहास रचते हुए ऑस्ट्रेलिया को टी20 सीरीज में हराया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को टी20 क्रिकेट में अब तक की अपनी सबसे शर्मनाक हार मिली है। 5 मैचों की सीरीज में लगातार तीसरे मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को मात देते हुए 3-0 की अजेय बढ़त हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाए थे, जवाब में 4 विकेट पर ऑस्ट्रेलिया की टीम 117 रन ही बना पाई। 10 रन से मुकाबले अपने नाम करने के साथ ही बांग्लादेश ने इतिहास रच दिया। यह मैच बांग्लादेश में खेला गया था। इस सीरीज में से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश ने एक भी टी20 मैच नहीं जीता था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में रविवार को दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को बंद रखने का सरकार का फैसला सही है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।